गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फ्रंट लाइन एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट आया था, आज जो पार्ट है वो हिस्ट्री का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम बेस्ट 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। फ्रेंड्स, 3 या 4 पार्ट में ये पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। उसके बाद हम साथ के साथ साइंस का और इंग्लिश का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लूसेंट के मिक्स करके क्वेश्चन बनाए गए हैं, और इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन कोई हो आपके CHSL, MTS, CGL और हरियाणा के लिए। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे बेस्ट 100 क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें उसमें जो दिया हुआ है, एक सेकंड फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। बाबर की जो आत्मकथा है किस नाम से जाना जाता है? तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा। तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि किस किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला युद्ध हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत में 1526 ईस्वी में, बाबर की सिर्फ इसी वजह से जीत हुई क्योंकि बाबर ने उस समय तोपखाने का प्रयोग किया था। तो बाबर ने यही क्वेश्चन पूछा गया कि किस युद्ध में तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। तो बाबर ने जो तोपखाने का इस्तेमाल किया वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई थी? तो वो थी तुलु गमा। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो थे बाबर के तोपची, तोप चलाने वाले थे। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? बाबर की मृत्यु हुई आगरा के अंदर। बाबर को के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत के बाहर बने हुए हैं? तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर, जहांगीर और बहादुर शाह जफर। उसके बाद है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? तो है कलंदर के नाम से। उदारता के कारण बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ है वो 1526 ईस्वी में हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। मौर्यों के बाद दक्षिणी भारत का सबसे प्रभावशाली, ये ध्यान रखना कि दक्षिणी भारत का पूछा है, तो वो था सातवाहन। दक्षिणी भारत का जो था सबसे प्रभावशाली सातवाहन था। हान सेन की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सूती वस्त्र के लिए मथुरा। प्राचीन काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? चावल का। ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन काल में जो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था, वो जो ये चावल है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पोंग चाओ ने हराया था कनिष्क को। किसने हराया? पोंग चाओ ने। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की? तो अंतिम मौर्य सम्राट की पुष्यमित्र सुंग ने हत्या की थी, पुष्यमित्र सुंग ने। अच्छा, जो ये थी बाल बाल विवाह की प्रथा का आरंभ किस युग में माना जाता है? जो बाल विवाह, छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, तो किस युग में आरंभ माना जाता है? गुप्त युग में। गुप्त युग में हितोपदेश के रचयिता, हितोपदेश के रचयिता कौन थे? नारायण पंडित, नारायण पंडित। एतमाद उल दौला का मकबरा कहाँ है? वो है आगरा के अंदर। अजंता और एलोरा की कलाकृतियों का संबंध किस काल से है? गुप्त काल से। अजंता और एलोरा की कृतियों का संबंध गुप्त काल से है। जजिया कर अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जजिया जो ब्राह्मणों पर कर लगाया गया था वो किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह ने किया।
जिसको हम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। ये बिल्कुल हाईलाइट अलग से कर रखा है, रंगीला बादशाह। किस शासक ने रत्नावली नामक पुस्तक शुरू की थी? तो वो थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, सेतु बंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? तो वो थे वाकाटक, वाकाटक। मौर्य काल में कार्यपालिका व्यवस्था का और न्यायपालिका का प्रधान जो है साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो था सम्राट। कौन था? सम्राट। मौर्य काल में सम्राट की स्वेच्छा चरिता पर नियंत्रण कौन रखता था? तो मंत्री परिषद और जनपद एवं लोकमत, मंत्री परिषद, जनपद एवं लोकमत। मौर्य काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मंत्रीन। मौर्य काल में जो प्रधानमंत्री को कहा जाता वो मंत्रीन। मौर्य काल में धार्मिक कार्यों को संपन्न करने वाला क्या कहलाता था? वो कहलाता था पुरोहित, पुरोहित। जो मौर्य काल में राज दरबार, सीमादारी, अन्य प्रमुख राजकीय द्वार को कार रक्षक क्या कहलाता था? वो था दोवारिक, दोवारिक। मौर्य काल में अंतपुर का अध्यक्ष कौन कहलाता था? अंतर्वेदिक। कौन कहलाता था? अंतर्वेदिक। जो मौर्य काल में आय का संग्रह करने वाला क्या होता था? समाहर्ता। जो आय का संग्रह करता था वो होता था समाहर्ता। राजकीय कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता है? सन्निधाता। कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे प्रशासता। मौर्य काल में जो कारागार का अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? प्रशासता। मौर्य काल में कमिश्नर को क्या कहा जाता था? प्रदेशिष्ठ। कमिश्नर को प्रदेशिष्ठ। मौर्य काल में नगर रक्षा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? वो होता था नायक। नगर रक्षा के अध्यक्ष को नायक। नगर का कोतवाल को क्या कहा जाता था? पौर। नगर के कोतवाल को पौर। प्रमुख न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक। जो प्रमुख न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक। मौर्य काल में पुलिस और अनुशासन स्थापित करने वाले दल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? दंडपाल, दंडपाल कहा जाता था। उसके बाद है, मौर्य काल में उद्योग और कारखानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? कर्मातिक, कर्मातिक। मौर्य काल में राजकीय दुर्ग शासकों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? दुर्गपाल, दुर्गपाल। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यवती वर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थापित की थी। कहाँ की थी? कन्नौज। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या गया था? अर्जुनमंद बानो बेगम, अर्जुनमंद बानो बेगम। कुंभ खेले मेले का आरंभ किस शासक ने किया? तो हर्षवर्धन ने। बिल्कुल, ये अब की बार जो प्रयाग में इलाहाबाद में कुंभ मेला लगने वाला है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इसकी दृष्टि से कि जो कुंभ मेले का आरंभ है वो किस शासक ने किया है? तो वो है हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने। और हर्षवर्धन ने ही ये जो है अपनी राजधानी जो थी वो स्थानांतरित की थी थानेसर से कन्नौज में। और थानेसर कहाँ पे है? थानेसर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। गुप्त वंश की स्थापना कब की गई? 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्री गुप्त। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब्दुल रहीम खान खाना ने। पुराणों में अशोक का लेख किस नाम से किया गया है? तो अशोक वर्धन। आंसर जो होगा वो होगा अशोक वर्धन। किस मुगल बादशाह को उसकी आधारता के कारण कलंदर कहा जाता था? कलंदर ही हमने पीछे कवर किया है। तो कलंदर किसे कहा जाता था? बाबर को। गद्दी पर बैठने वाले औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? वो था दक्कन का गवर्नर। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने किस शासक ने किया? तो है अशोक। विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? वो है 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में। महाभारत का फारसी अनुवाद किस निर्देशन में हुआ? तो था फेजी में। किस में? फेजी में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट स्थित है कंबोडिया के अंदर। कहाँ पे?